रोहित शर्मा और गिल के तूफान में उड़े नेपाल के गेंदबाज। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अकेले दम पर दिला दी टीम इंडिया की जीत। जाडेजा सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कैसे पलटा पूरा मुकाबला, दिखाएंगे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, नेपाल के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका फैसला तब गलत साबित होता हुआ दिखाई दिया जब नेपाल के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, नेपाल के ओपनर बल्लेबाज कुशाल और आसिफ ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत दिलाई। कुशाल ने अपनी पारी में 25 गेंदों में 38 रन बनाए तो वहीं आसिफ ने 97 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 50 रन से भी ज्यादा की शुरुआत दिलाई। बता दें, नेपाल को पहला झटका लगा 65 रन के स्कोर पर। यदि रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को गेंद ना दी हुई होती तो उसमें भी थोड़ा लेट हो ही जाता। जी हां, लॉर्ड ठाकुर ने अपने पहले ही ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। ठाकुर ने कुशाल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। कुशाल ने 38 रन ही बनाए थे। इसके बाद दोस्तों आया सर जडेजा का तूफान। जी हां, सर जडेजा ने एक एक कर नेपाल के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और नेपाल की पारी यहां से लड़खड़ा गई। जिस नेपाल की टीम ने 65 रन पर अपना पहला विकेट गवाया था, उसी नेपाल को जडेजा ने लगातार तीन झटके देते हुए 93 रन पर तीन विकेट करवा दिया और 101 रन पर नेपाल के चार विकेट गिर चुके थे। 132 रन पर पांच हो गए थे, 144 पे छह हो गए थे। दोस्तों, नेपाल के लिए निचले क्रम में सोमपाल कामी ने 56 गेंदों में 48 रन बनाए, जिन्होंने अपनी पारी में एक चौका और दो छक्का लगाया था, जिसकी बदौलत नेपाल की टीम ने भारत के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। दोस्तों, नेपाल की तरफ से ये इम्प्रेसिव बैटिंग थी, लेकिन अगर भारत की बात करें तो इम्प्रेसिव बॉलिंग थी जाडेजा और सिराज की। जी हां, आपको बता दें, जाडेजा ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन देकर 3 विकेट लिए। सिराज ने 9.2 ओवर की गेंदबाजी में 61 रन देकर 3 विकेट लिए। सिराज थोड़े से महंगे रहे। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिए। पांड्या ने 8 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए और समी ने भी 7 ओवर में 29 रन देकर एक सफलता हासिल की। कुलदीप यादव ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, उन्होंने 34 रन दिए। उन्होंने रन तो कम खर्चे, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई। कप्तान रोहित शर्मा ने चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की। शुभमन गिल ने भी 3 चौके लगाए, उन्होंने 12 रन बनाए। टीम इंडिया ने देखते ही देखते 17 रन बना लिए थे, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने 16 रन बनाए थे और 1 रन एक्स्ट्रा के थे। इसके बाद दोस्तों मैदान में बारिश ने दस्तक दे दी। दोस्तों, काफी समय बाद बारिश रुकने के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुकाबला रद्द ही ना हो जाए, लेकिन भगवान थोड़ा मेहरबान हुए, बारिश रुकी और मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले में काफी ज्यादा कटौती भी की गई। जी हां, ओवरों में बहुत सारा कटौती देखने को मिला। ये मुकाबला 23-23 ओवर का खेला गया। आपको बता दें, मुकाबले में भारत को 145 रन बनाने थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और जल्दी ही आउट होकर पवेलियन चले गए थे। लेकिन नेपाल के खिलाफ देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी ठोक दी। जी हां, रोहित शर्मा ने केवल 38 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन ठोके थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए थे और इसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। जैसे ही रोहित शर्मा ने अर्धशतक पूरा किया, देखने लायक था टीम इंडिया का रिएक्शन। जी हां, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी रोहित शर्मा के हाफ सेंचुरी पर बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। बता दें, इस खिलाड़ी ने 38 गेंदों में 41 रन बनाए और अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। गिल अपने कप्तान का साथ बखूबी निभा रहे थे और टीम इंडिया को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 92 रन बना लिए थे और आपको बता दें, भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए 61 गेंदों में केवल 49 रनों की दरकार थी। पाल के सभी गेंदबाजों की हालत बेहद खराब थी और सबसे ज्यादा हालत खराब थी संदीप लामेछाने की। जी हां, इस गेंदबाज ने 3 ओवर में 33 रन लुटाए थे। संदीप लामेछाने नेपाल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने उनकी जमकर धुनाई की। दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया आसानी से सुपर फोर में पहुंच गई है। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पाकिस्तान को रौंदते हुए टीम इंडिया एशिया कप में चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।